दिल्ली से वापसी में जब नादिर शाह पहाड़ी रास्तों से होते हुए जा रहा था तो सिंहों ने नादिर शाह की सेनाओं पर हमला शुरू कर दिया और दिल्ली से जो माल कत्लेआम के बाद नादिर शाह ने लूटा था उसको छीनना शुरू कर दिया और भारी संख्या में उसके सैनिक मारे जाने लगे। उसकी फौज को इस दौरान काफ़ी जान माल की हानि हुई। नादिर शाह के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमले अचानक होते थे और ज़्यादातर अंधेरे में और रात के समय होते थे और उसके सैनिकों का बुरा हाल हो चुका था। चलते चलते जैसे रात का समय होता था उसके सैनिकों के डर के मारे हाथ पांव काम करना छोड़ देते थे कि ना जाने कब और किस तरफ से हमला हो जाए और पलक झपकते ही गर्दन धड़ से अलग। ये खौफ बैठ चुका था नादिर शाह की फौज में। खैर जैसे तैसे मई के अंतिम सप्ताह में ये लोग लाहौर पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही नादिर शाह सबसे पहला सवाल ज़करिया खान से यही करता है कि कौन है ये लोग जिन्होंने मेरी सेना के खासकर पिछले हिस्से को तहस नहस कर दिया और दिल्ली से लूट कर लाए गए माल का काफ़ी बड़ा हिस्सा ही छीन ले गए मुझसे, और जिनके डर से मेरे सैनिकों का दिमाग ख़राब है, उनके शरीर के अंग काम करना छोड़ गए हैं। तो ज़करिया खान कहता है कि जी ये फ़कीरों जैसे दिखते हैं, हर 6 महीने में अमृतसर आते हैं, दरबार साहिब में स्थित पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर नादिर शाह उनके घर और चूल्हों के बारे में पूछता है तो ज़करिया खान कहता है कि जी इनके घोड़ों की काठियाँ ही इनका घर है। तो इस पर नादिर मुस्कुराया और बोला कि फिर तो इनसे डरने के 1000 कारण है ज़करिया। ज़करिया खान बहादुर, वो समय दूर नहीं जब ये लोग सर उठाएंगे और जहाँ तुम बैठे हो वहाँ उनका शासन होगा। नादिर शाह ने तो ये बात बोल दी, लेकिन ज़करिया खान के दिमाग को इस बात ने झनझना कर रख दिया। चूंकि ज़करिया खान ने वैसे तो सिखों के दमन के लिए उस वक्त कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन नादिर शाह की इस तीखी भविष्यवाणी के बाद वो इतना निराश और क्रोधित हुआ कि उसकी इस दमनकारी नीति ने जैसे नरसंहार का रूप ले लिया और उसने सोच लिया कि अब तो चाहे कुछ भी करना पड़े सिखों को ख़त्म करके ही दम लूँगा। लेकिन दोस्तों होता वही है जो उसने सोच रखा हो, इंसान तो न जाने क्या क्या सोचता है। ये नरसंहार सन 1739 से लगभग 1746 तक चलता रहा। उस समय जो प्रांतों के मुखिया थे उनको इसने संदेश भिजवाया कि किसी भी गांव में सिखों को रहने की अनुमति ना दी जाए और जो कोई भी इनको मारेगा या इनका पता बताएगा उसको भारी इनाम से नवाजा जाएगा। अमृतसर और तरन तारण के पवित्र सरोवरों में कोई स्नान ना कर पाए इसके लिए भारी फौज की तैनाती इनके चारों ओर कर दी गई। ऐसे में मंडियाली गाँव का प्रधान था मूसा लाल खान, जो मस्सा रांगड़ के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि इसके मुँह पर एक बड़ा सा मस्सा था दोस्तों, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा। इसने उस पूरे इलाके को छान मारा कि कोई सिंह वहाँ दरबार साहिब में स्नान के लिए आए तो वो उसको पकड़े। इसको ज़करिया खान की तरफ से काम सौंपा गया कि कोई भी सिंह दरबार साहिब ना आने पाए, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसने दरबार साहिब के अंदर ही अपना पड़ाव डाल दिया। दरबार साहिब के मेन हॉल में जहाँ कीर्तन चलता है और जहाँ आज हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करते हैं, वहाँ उस जालिम ने पलंग बिछाया और उसके ऊपर पैर रखकर यहाँ बैठने लगा। वहाँ पर इसने हुक्का रखा और हुक्के के साथ शराब की महफिलें सजानी शुरू कर दी। वेश्याओं को नचाने लगा, मांस मीट का सेवन यहाँ पर दिन रात चलने लगा। मतलब इसने नीचता की सारी हदें पार कर दी। ये वक्त सिंहों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, जब उनको चारों तरफ से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था और चारों तरफ कत्लेआम का माहौल था। सिखों को देखते ही मारने के आदेश थे, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं हारी। उल्टा मेंटली और स्पिरिचुअली वो अपने आप को अंदर से काफ़ी ताकतवर महसूस कर रहे थे। दोस्तों कहते हैं ना कि आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है, तो कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई थी। उन्होंने घोषणा कर दी कि अपनी अंतिम सांस तक अपनी आस्था और विश्वास पर अडिग रहेंगे। शुरुआत में तो मस्से रंगड़ की इन हरकतों के बारे में चारों तरफ दूर दराज फैले हुए सिंहों को पता ही नहीं चला, क्योंकि पंजाब की खबरें उन तक नहीं जा पा रही थी। तब राजस्थान के बीकानेर के पास सिंहों के एक जत्थे तक एक खबर पहुंचती है, जहां पर भाई मेहताब सिंह मीरा कोटिया और भाई सुखा सिंह इस पापी मस्से रंगड़ को उसके इस नीच कर्म की सजा देने की कसम खाते हैं। ये दोनों बहादुर सिंह वहाँ जत्थेदार भाई श्याम सिंह जी से इजाज़त लेते हैं और उनकी सफलता के लिए एक स्पेशल अरदास की जाती है, और दोनों तुरंत अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर श्री दरबार साहिब अमृतसर के लिए तेज़ी से निकल पड़ते हैं। और अगस्त सन 1740 में ये दोनों दरबार साहिब पहुँचते हैं। रास्ते में ये अपने साथ छोटे छोटे ईंट पत्थरों के टुकड़े इकट्ठा करके दो बड़े बड़े थैलों में भर लेते हैं, जिनसे ऐसा लगे कि इनमें सिक्के भरे हुए हैं। इसके बाद ये सीधे दरबार साहिब के गेट पर पहुंचे, जहां पर तैनात मुगल सैनिकों ने इनसे पूछताछ की। तो इन्होंने बताया कि हम आसपास गांव के प्रधान हैं और ये सिक्कों से भरे थैले हैं जो हम मालगुजारी के रूप में मत्स्य रंगड़ को देना चाहते हैं। वहां पर तैनात गार्ड्स ने उनकी इस बात को मानकर उनको अंदर जाने दिया। हरमंदिर साहिब के मुख्य द्वार के पास एक पेड़ से उन्होंने अपने घोड़े बांध दिए। ये वही पवित्र पेड़ है दोस्तों, जिसको हम आज आदर से लच्छी बेरी के नाम से जानते हैं। घोड़ों को बांधकर भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह आगे बढ़ते हैं। वहां पर ये देखते हैं कि मस्सा रांगड़ शराब के नशे में धुत होकर अपने पलंग पर बैठा हुआ
हुक्का पी रहा है। वहां पर वेश्याओं का डांस चल रहा है। दरबार साहिब के मुख्य हॉल की बात है। इस दृश्य को देखकर उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं, जो कि स्वाभाविक था। भाई सुखा सिंह भारी दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और भाई मेहताब सिंह अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर वो उन दोनों थैलों को मस्से के पलंग के पास लगभग फेंकते हुए कहते हैं कि ये लो माल गुजारी। मस्सा रंगड़, जो पूरी तरह से शराब के नशे में था और उसकी आंखें तक नहीं खुल पा रही थी, खुश होकर उन थैलों में भरे हुए सिक्कों को देखने के लिए जैसे ही आगे झुकता है तो भाई मेहताब सिंह फुर्ती से अपनी तलवार निकालते हैं और एक ही वार से मस्से रंगड़ की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। वहाँ भगदड़ सी मच जाती है। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोई नहीं समझ पा रहा कि अचानक ही क्या हो गया। इसी दौरान वो दोनों बहादुर सिंह मस्से रंगड़ के कटे हुए सिर को उठाते हैं और तेजी से हरमंदिर साहिब परिसर से बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले कि वहाँ मौजूद गार्ड और सिपाही समझ पाएं कि हरमंदिर साहिब के अंदर दरअसल हुआ क्या था। इसके बाद वो दोनों सिंह उस पापी मस्से के सिर को भाले की नोक पर तान कर बीकानेर पहुँचते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। लाहौर के गवर्नर जकरिया खान को जब इस पूरी घटना का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। इसके संबंध में पूछताछ और खोजबीन करने का हुक्म देता है और जल्द से जल्द इस घटना को अंजाम देने वालों का पता लगाने के लिए ऑर्डर्स जारी करता है। तो खोजबीन में पता चला कि इस घटना में भाई मेहताब सिंह मीरा कोटवाले का हाथ हो सकता है। जकरिया खान के कहने पर नूरुद्दीन फौजदार अपनी एक सिपाहियों की टुकड़ी के साथ गांव मीराकोट जाता है भाई मेहताब सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। भाई मेहताब सिंह तो वहां नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके छोटे से बच्चे राय सिंह वहां होते हैं, जिनको भाई मेहताब सिंह गांव से जाते समय अपने एक दोस्त नत्थू खेरा के पास देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं। जब नत्थू खेरा को इस बात का पता चलता है कि मुगल सिपाही भाई मेहताब सिंह को ढूंढते हुए गाँव में आ गए हैं, तो बच्चे राय सिंह को लेकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से गाँव से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। नूरुद्दीन फौजदार को जब पता चलता है कि नत्थू खेरा बच्चे राय सिंह को लेकर निकल गया है तो वो तेजी से उनका पीछा करता है और रास्ते में उनकी मुठभेड़ हो जाती है। नत्थू खेरा और उसके दोस्त बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वहाँ शहीद हो जाते हैं। छोटे बच्चे राय सिंह को भी मरा हुआ समझकर मुगल सिपाही वहाँ छोड़ जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद एक औरत जो वहाँ से गुजर रही थी उसने देखा कि बच्चे में प्राण बचे हुए हैं, तो उसको उठाकर वो माता गाँव ले जाती है, जहाँ इलाज करने के बाद राय सिंह के प्राण बच जाते हैं। बाद में लगभग 5 साल बाद भाई मेहताब सिंह जब छुपकर अपने बेटे से मिलने के लिए गांव में आते हैं तो कुछ मुखबिरों की मदद से मुगल सिपाहियों के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और गिरफ्तार करके लाहौर ले जाया जाता है, जहां इस बहादुर सिंह को शहीद कर दिया जाता है।